आज इस्लाम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से, और हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज ईद मिलादुन नबी है, मेरी तरफ से आप सबको ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और हम बना रहे हैं चिकन वाले चावल, ये देखें इसमें अभी गरम मसाला जाएगा, फिर चावल, फिर आपको रेडी होते हैं तो दिखाते हैं। ये देखो नूर जारा, आपको ना ये कलर बहुत अच्छा लगा है, ग्रीन। मेरा दिल था कि पूरा सूट ग्रीन पहन, अच्छा, लेकिन वो फिर मैंने कहा चलो, लेकिन माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, खाली मैंने कहा चलो दुपट्टा ही, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, सब ग्रीन वैसे बहुत शौक, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुम्बद है ना, मतलब उनका कलर भी ग्रीन है, सब्ज गुम्बद। आज उनकी विलादत का दिन है, खुशी का दिन है, खुशी का दिन है आज की ईद। आज भी सबसे बड़ी ईद तो आज है जी, तो ईद मिलादुन नबी है, मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है जी, बिल्कुल। तो इस खुशी में हमने तो आज तमाम इतना सा किया, खाना बनाया है और साथ ही, लेकिन अम्मी आपको येलो कलर भी अच्छा लगा है पहना हुआ ना, येलो कलर, ये जो आपने शर्ट पहनी येलो ही है ना। चावल हमारे जो है ना अभी दम पे आने का टाइम है, मेरा ख्याल है दम लगा ही दें कि अभी पानी है, देखें आप है अभी हल्का सा पानी, मेरे ख्याल दम दम पे हो जाएगा। मैं करती हूँ इसकी ना स्लो करती हूँ इसका फ्लेम। तो अम्मी ये जो कलर है ना आपको बहुत अच्छा लगा है, तो ये जो गोटा लगा हुआ है ना शर्ट पे, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, गोटा ही है ना, दिखाएं जरा लाइट में देखती हूँ। हाँ गोटा है, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है ना, गोटा वर कितना प्यारा लगता है लॉन के कपड़ों पे है ना आजकल, ये ना इन है, हाँ गोटा ना, हाँ गोटे वाले सूट, गोटा कनारी। तो इधर कमरे में मेरा वसीम बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता ही इनका चलता रहता है सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम अहले इस्लाम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तैयार नहीं होना चलो खाना खा रहा, आप भी उठ के बैठो, दिखाओ कैसे कपड़े पहने, माशाल्लाह माशाल्लाह, पिन्ने भी लगाई, नूर जारा ने कटिंग भी कराई है, खड़े होके दिखाओ, मम्मी कह रही खड़े होके दिखाओ, नहीं बच्चे आपको पता है काम सुनते, आज ईद है ना, अच्छा लाइट्स कम है इस कमरे में ना, मैंने उसे कहा था हसन को के लिए वो ना लैंप चला दो, लेकिन उसने नहीं चलाया, मैं चलाती हूँ। ईद मिलादुन नबी की ये ना कि मीठे में भी कोई चीज़ होनी चाहिए, कबाब है इसमें, मीठे में आप बता दें, मीठे में ये कि फिर या तो हम मिठाई वगैरह मंगवा लेते हैं या फिर शीर खुरमा बना लेते हैं, तो कहती हैं तो शीर खुरमा घर बना लेते हैं, आप बताएं शीर खुरमा, तो फिर वो वसीम आप बताओ, आप बताओ मीठे में क्या होना चाहिए, सब कुछ, सब कुछ। अपने उलिया तो पहले सही कर लो, नहा धो लो, ईद का दिन मिठाई भी सही रहती है, मिठाई ठीक है, मिठाई ठीक है, मैं मिठाई मंगवा लेते हैं, चलें मुंह मीठा तो करना चाहिए ना, मीठा मीठा, आप बताएं क्या मंगवाएं, कितनी मिठाई, आप बताएं, केक तो मिठाई काटे ना फिर बड़ा, चले जी मिठाई या केक जो भी होगा, मीठा मुंह तो मीठा करना चाहिए। हाँ आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आप इस वक्त अजीब से उलिये में बैठे हुए, इसका दिन है जरा अच्छा उलिया कर लें अपना, काम शुरुआत अभी अभी फ्री हूँ, सारे काम कर, काम भी तो इतने किए हैं, बस वो फिर सौदा वगैरह आप खुद ही आज लेके आए हैं, हालांकि मैंने ना चिकन मंगवा लिया था बाजार से ना, वो फोन करे ना तो घर पे ही दे जाता है बंदा, तो लेकिन ये था, ये वैसे सहूलत हो गई है कि चिकन फोन करे चिकन भी घर आ जाता जी, और ये जो क्या उसका नाम है चीता वगैरह ये सारी जो है, नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, आपने मना किया था ना कि चीते से ना मंगवाया करें, लेकिन कभी कभार का एक अपना ही होता है, हाँ मैं जब से आपने मुझे मना किया मैंने चीते से मंगवाना छोड़ दिया है, अब फ्रेश ही वो इधर मुर्गी वाला है वो दे जाता है, फोन करें तो वो दे जाता है, पता नहीं कब का पड़ा होता है जी। बाकी बच्चे जो है वो दूसरे रूम में है दोनों, वो उधर हमने बेडरूम को रूम बना लिया है ना, तो खाना बन रहा है इधर, और
वो सामने जो विंडो है ना, इसके पीछे हमने जो बेडरूम बना ली है, और यहाँ पर ये रूम अम्मी का है, अम्मी होती है इस रूम में। मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे जो है ना वो तो वीडियो में नहीं आते, वो तो लड़ते हैं बड़ा। हसन बैठा हुआ है लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकती, वो लड़ेगा। दरवाज़ा बंद ही कर दो। अम्मी आप इधर आ गई हैं, अम्मी अपने कमरे के बगैर नहीं रहती। तो जो जैनब है वो उसने कपड़े निकाल के रखे हुए हैं अपने, ये वाइट सूट उसने पहनना है। मैंने भी वाइट सूट रखा हुआ है अपने लिए, हैंग किया हुआ है, अभी पहनने लगी हूँ। वाइट पहन जी अम्मी, मैं भी वाइट पहनने लगी हूँ। लोगों ने नाते लगाई हुई हैं टीवी पे, और इधर ये देखें अम्मी सुन रही थी नाते हैं। अभी मेरा ख्याल अम्मी साथ वाले रूम में चावल बन गए हैं, चावलों को दम लगाया हुआ था, चावल तैयार हो गए माशाल्लाह, बहुत अच्छे बने। अम्मी ने अभी खाए भी। अम्मी कैसे थे? ये हसन रायता पड़ा हुआ है ना, हाँ ये हसन और वसीम खाना खा रहे थे ना, तो इधर ही छोड़ जी, खुला ही छोड़ गए। तो चावल कैसे बने अम्मी? चावल बहुत ही मजेदार थे, अच्छे बने, इतने मजेदार थे, मैंने जितने तुम्हें दिए मैंने सारे खा जी। मैंने अभी खाने अभी ट्राई करने जब हम छोटे थे ना, तो हम लोग जाते थे रात को देखने पहाड़ हाँ। हाँ। नहीं बेटा, हम बड़ा पहाड़ देखने जा रहे हैं। हमारे घरों के ऊपर लाइटिंग है बस, और आपकी गली में शायद हो जी। पूरा लाहौर जो है ना इस वक्त, पूरा लाहौर में जागा वगैरह किया हुआ है, घरों में भी जाहिर सी बात, इतना बड़ा दिन है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का सबसे बेहतरीन तरीका पता क्या है? मिलाद मनाने से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है ना, वो सुन्नत पे अमल करना है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुनते हैं मगर सुन्नत पे अमल नहीं करते। तो हम लोग हाँ, मतलब हम लोग बस कहते हैं कि खाओ पियो इन्जॉय करो घूमो फिरो, वो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ना सुन्नत पे अमल करना, उनकी जितनी भी है ना हदीस उनको सुने, बच्चों को बताएं और उस पर अमल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी है और हमारे लिए क्या दरस है। चावल हमने लिए, तेल में हमारे पास है, कोई ना पतंगा ले ली जाए। हाँ माशाल्लाह, ये हमारे सामने वाला है, बहुत सस्ते हम। आपकी लाइटिंग थी ना पूरे घर पे, आप लोग आते थे वो किधर थे? बस मैं करते नहीं तो बड़ों के साथ ही रहने अम्मी। क्या मतलब, मैं नहीं बना रही किसी की, सिर्फ आपकी बना रही और बच्चों की। बच्चों इधर आओ, आगे आओ, इधर आओ, अम्मी के पास इधर आओ, आओ आए, आए तो आगे आओ। ये आयत है, ये मीरा, ये आमना, आप भी आओ, आप भी आओ वीडियो में, आपकी भी बनाओ, आप भी आओ। निको आप भी आओ, ये इधर आओ गुग्गू, ये गुग्गू है, और ये है ये निको है, इधर देखो नूर जारा, हेलो नूर जारा, ये इसकी फ्रेंड है। माशाल्लाह नूर जारा ने कितने प्यारे कपड़े चमकीले चमकीले पहने हुए हैं, क्योंकि आज ईद है, ईद मिलाद उन नबी है, इसलिए सब बच्चे तैयार हुए हुए हैं। आयत कौन सा सूट पहना दिखाओ, मोहम्मद ने आते ही मोबाइल ले लिया है, वो देखो मोहम्मद, वो देखो आंटी, नहीं देखता, नजर नहीं आ रहा, इधर आ जाओ। कैसे हैं सब, उम्मीद है जी आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, और ईद मुबारक, ईद मिलादन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और बच्चों के लिए मिठाई आ रही है, अभी हम राइस लेके आए हैं इनके लिए, मैंने खुद बनाए थे चिकन वाले चावल, और अम्मी को बड़े पसंद आए। अम्मी कैसे बहुत मजेदार थे, इतने टेस्टी चावल बने जो अच्छा अम्मी खाए। असल में नजर भी के ना तो अनेक साथ ही मिले हैं क्योंकि वो मैंने कहा उधर जाके मोबाइल यूज, तो मोबाइल का यूज तो बहुत ज्यादा है, फिर मैं साथ ही उठा लाई, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता ज्यादा मोबाइल यूज करने से। हालांकि मुझे ना मना किया कि आप ज्यादा फोन ना यूज करें, क्योंकि माइग्रेन भी है ना, तो उसकी वजह से डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन वो फिर आदत इतनी बुरी बनी हुई है, हम लोग तो उसके बगैर रह नहीं सकते। मैंने व्हाइट सूट पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, शूज पहने हैं,
अच्छी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हैं। जाते ही पता चला जी, जरी ने कहा तुम चुड़ैल लग रही हो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा मेकअप लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही है। सिर्फ आंखों पे मैंने, आंखें बहुत अच्छी लग रही है। और लिपस्टिक मतलब स्किन पे मैंने फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाया, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर प्रॉपर एक मेकअप होता है वो नहीं किया, तो कर लेना। टाइम ही नहीं था इतना, जल्दी जल्दी मैंने कहा बस ये हल्का सा कर लेती हूँ मेकअप कर लूं, तो कहते हैं ये क्या बन गया। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, मुझे तो आप बहुत अच्छी लगी, अच्छी थे। हाँ, अच्छी हुई। व्हाइट ड्रेस में बहुत अच्छी, और व्हाइट कलर सूट भी बहुत कर, माशाल्लाह मुझे व्हाइट कलर सूट, और मेरा तो फेवरेट, मुझे भी बड़ा पसंद है। और ये बच्चों की तैयारी दिखाओ, ये देखो सब। हाँ, ज़ारा बहुत प्यारी लग रही है, ये देखो आई बाल बहुत कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखिए पीछे एक और छोटी सी, आमना ने रेड सूट पहना है, ये मीरा ने इसको पहनाया, गिफ्ट की है, गिफ्ट की है, कितना प्यारा। मोहम्मद मोहम्मद, अच्छा आपसे ना उदास हो जाती है और आपको पहचानती है, पहचानती है, चाहे एक मंथ बाद भी मिले तो पहचानती है। और माशाल्लाह मम्मी से बहुत प्यार, प्यार भी बहुत करती है। काका और ये दोनों बहुत ज्यादा करते हैं, वो भी करती है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटे हैं ना, तो इसलिए फिर ये ज्यादा। और लेकिन अमल आपसे ज्यादा उदास हो जाती है। अच्छा, मैं अम्मी अम्मी पास बैठ जाओ, तुम इधर बैठ, ऊपर बैठ। चलो मीरब तुम भी बैठ, देखो आयत पारी करेगी काके, इधर आओ, इधर आओ काके, इस पारी करो। नहीं बबल घर है, मुंह में है ना, अली अली बहुत चुप चुप बैठा है। अली के लगी हुई है पाँव पे चोट, और इसलिए अली से आजकल सही तरह से चला नहीं जा रहा, चोट लगी हुई, तो इलाज चल रहा है जी बहुत। क्या हुआ, क्या वैसे पता ही नहीं, मांस वगैरह फट गया, 10-12 दिन हो गए हैं, दर्द नहीं जा रहा। नहीं नहीं, मांस वगैरह फट गया होगा, पता नहीं, बस दफा ये होता है कि आपको पता नहीं चलता। अमर कैसी हो, ठीक हो? अमर तो अभी मिठाई आ रही, फिर खाते ये बच्चों की आ गई। मुंह मीठा करो भाई, ये क्या है ब्लैक ब्लैक से? अच्छी है, मैं कोई नहीं आना। काके इतने दिकलियां तो पाए हैं, बुढ़िया बढ़िया देना तो बच्चा ने क्या जरा सी भी ना के चलो चलते ले देना, तो और आके बैठे और आयत भी आ गई है। एक तू सारा की हो रहा है, आयत कौन सी नहीं बाकी तक किया जी, कान है। अच्छा मिठाई दे के अब रोना शुरू हो गई है, वो रो क्यों रही है? कौन वो गुगू? मिठाई गुगा, ये कितने आराम से बैठी हुई है आपकी गोद में, माशाल्लाह। आए तो आप भी खा लो मिठाई, आप भी ले लो, और पता नहीं क्यों रो रही है। कौन सी लेनी, निक्कू गुगू? गुगू आ जाओ, कौन सी मिठाई ले? ये रो रही है, कैसे बीच में आ जाओ, आ जाओ निकल। क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हो? ये तंग कर रही बेचारी। मैं बेटा मम्मी मैं नहीं कर रही, ये लो बर्फ, मम्मी मैं नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, मैं तंग कर रही हूँ, खुश हो गए। जी तो हम लोग आ गए घर, घर आके काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी है, कपड़े चेंज किए यहाँ आके, और मैंने कहा थोड़ा सा सालन बना लूँ, सालन बनाने लगी हूँ, साथ चाय बनाने लगी हूँ, सर में पेन हो रही थी तो मैंने सोचा एक कप मम्मी को देती हूँ और एक कप मैं खुद पीती हूँ चाय का। तो जी आज का व्लॉग हमारा यही था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।